Hey guys once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy once again I'm back with another lecture of practice of medicine and the topic for today is influenza. फ्रेंड्स मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं एंड द टॉपिक्स विच आई शेयर आर मोस्टली एग्जाम बेस्ड तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट करिएगा एंड यू कैन ऑलरेडी सी दैट मेनी वीडियोस आर शेड्यूल्ड ऑन दिस चैनल और डेली एक एक वीडियो अपलोड होगा तो प्लीज़ अगर आप अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस द अपकमिंग अपडेट्स नाउ हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है सो इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली नोन एज फ्लू और ये जो बीमारी है दिस इज कॉज्ड बाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ठीक है इसका पॉजिटिव फैक्टर है ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये स्प्रेड करता है थ्रू द रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट मतलब पर्सन कभी चीखेगा खासेगा तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया निकलते हैं उससे ये स्प्रेड होता है और ये टच करने से कंटामिनेटेड सरफेस को जहाँ पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है उससे भी ये स्प्रेड कर सकता है ठीक है अब हम इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सडन हाई फीवर हमें देखने को मिलेगा उसके अलावा पर्सन को बॉडी एक और मसल में पेन होगा फैटी पर्सन बहुत ज़्यादा फैटिक फील करेगा उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी सर में दर्द हो सकता है गले में दर्द हो सकता है ठीक है सो थ्रोट की प्रॉब्लम होती है ड्राई कफ नेजल कंजेशन चिल्स एंड स्वेट एंड लॉस ऑफ एपिटाइट पर्सन को भूख भी नहीं लगती है सीजनल एपिडेमिक्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंजा होता है ये कोल्डर मंथ्स में आता है इसकी रिकरेंस होती है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सीजनल फ्लू ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा कि हमें पता है दैट इट इफेक्ट्स द रेस्परेटरी ट्रैक्ट तो निमोनिया ब्रोंकाइटिस Sinusitis and ear infections. These are the four most important complications of influenza. Now, moving on and discussing the vaccination. Most effective way to prevent influenza is vaccination. Okay, influenza. Ki jo vaccine hoti hai that is the must for its prevention. प्रिवेंशन और कैसे किया जा सकता है अगर पर्सन हाइजीन मेंटेन करे दैट इज रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड्स यूजिंग सोप और यूजिंग सैनिटाइजर्स अगर वो अपने हैंड को सैनिटाइज कर रहा है ठीक है अगर कभी भी खांसी आ रही है तो वो माउथ को कवर करके अगर कफ कर रहा है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ पर्सन हैविंग फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड स्टेइंग होम फ्रॉम वर्क अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर फ्लू जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो दूसरों को ये स्प्रेड करने से बचेगा ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट इन्फ्लुएंजा आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग अपडेट्स मिस ना हो तो प्लीज मेडिक्योर बेडी को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा थैंक यू